हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में बताना चाहता हूँ उस टॉपिक के बारे में जो भाई बच्चे उनसे पूछ रहे थे, भैया सैम्पल पेपर कौन से खरीदें, कौन सी बुक बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करूँगा लिंक्स के साथ, जो आपके लिए करना ऑप्शनल भी नहीं है, ये आपके लिए करना बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर आप 95 अबव स्कोर करना चाहते हो बोर्ड्स में। और मैं ऐसा नहीं है हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं अभी आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्यों इन्हें करना मैंडेटरी है आपके लिए और क्यों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों का भ्रम मिटाना चाहता हूँ, यार एक चीज़ खुद समझो, आपको प्राइवेट पब्लिशर के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास जाना ही क्यों है, जब आपका जो पेपर सेटर है यानी सीबीएसई बोर्ड, वो आपको खुद ऑफिशियल सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम के साथ प्रोवाइड करता है ऑलरेडी। मार्किंग स्कीम क्या होती है, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्किंग स्कीम होती है वो चेकिंग की कॉपी जो चेकर के पास, जब आपका आंसर शीट चेकर के पास चेकिंग के लिए जाते हैं, तो उसके साथ एक मार्किंग स्कीम मिलती है चेकर को, कि उसमें लिखे होते इंस्ट्रक्शंस, आंसर्स के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं चेकर के लिए कि भैया आपको बच्चों के आंसर शीट जो है वो कैसे चेक करनी है और आपको उसको कैसे मार्क्स देने हैं। तो ये सारा मटेरियल, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर, सबके सब चीज़ें सीबीएसई फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। आपका खुद क्वेश्चन सेटर जो है इंसान, जो बोर्ड है, इंसान तो नहीं है वो, आपको ऑफिशियली प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही समझाता हूँ कि यार आप प्लीज किसी प्राइवेट पब्लिशर थर्ड पार्टी के पास मत जाओ, आपको वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे फोकस करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें पहले क्या चीज करनी चाहिए और फिर कैसे कैसे मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर कोई मेरे को नहीं जानता, मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है, मैं एसआरसीसी से पास आउट ड्रॉप आउट हूं सॉरी, और एलुमनाई हूं शहीद सुखदेव का। सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, आपको करने चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। मेरा ये क्यों कहने का क्या लॉजिक है, देखो यार, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे, आप एक चीज नोटिस करोगे, मोस्टली सब्जेक्ट्स में आप लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, और आपको एक चीज क्लियरली दिखेगी कि क्वेश्चंस 80% रिपीटिशन में है। लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 80% क्वेश्चन जो है रिपीटिशन में है, बस क्वेश्चंस का सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर देते हैं, प्रेडिकेट सब्जेक्ट कर देते हैं, वर्ड्स को आगे पीछे कर देते हैं, बट एक चैप्टर से वो ही क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स करना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट भी नहीं हुए तो एटलीस्ट आपको सीबीएसई के जो सेटर्स होते हैं उनका माइंडसेट, उनके क्वेश्चंस का लेवल, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स करना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, पहले आपको 2018, 2017, 2016 ये आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी आप 12th में पढ़ रहे हो उनके लिए, ठीक है। 2018 और 17 करना कंपलसरी है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो 2016 आप फिर भी एक बारी को छोड़ सकते हो, बट 18 17 करना बहुत जरूरी है। और इसका लिंक जो है वो आपको मैं सीबीएसई का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, ये उसका स्क्रीनशॉट रहा, आप देख भी सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स और मार्किंग स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, और मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा एनालाइज करते हुए, वो आपको सब कुछ फ्री में सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लो तो आपको करने हैं ऑफिशियल सीबीएसई के सैंपल पेपर्स। क्यों जाके प्राइवेट पब्लिशर के पास जा रहे हो, अगेन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपको क्वेश्चन सेटर ही आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहा है ये बताते हुए कि मैं कैसे क्वेश्चन सेट करने वाला हूं। तो आपको 2018-17 का क्वेश्चन पेपर करने के बाद 2019 का ऑफिशियल सैंपल पेपर करना तो बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी, ये आप नहीं छोड़ सकते। 2019 के सैंपल पेपर के लिए आपको मैं अगेन, नीचे आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट, जब आप पेज खोलोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और आपको यहाँ पे जाना है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में, और आपको हर साल के हर सब्जेक्ट के और आपके 10th और 12th क्लास के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे ऑफिशियल सीबीएसई के। अगेन मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। तो आपको
2019 तो करना ही करना है, उसके बाद 2018 और 2017 के आप ऑफिशियल सैंपल पेपर्स कर सकते हो, करोगे, मतलब मेरी तरफ से 90% है कि आप करो ही करो, बट अगर टाइम की शॉर्टेज रहे आपके लिए तो फिर भी एक बारी को छोड़ के 2019 और 2018 और 17 के क्वेश्चन पेपर, 2019 का ऑफिशियल सैंपल पेपर, ये तो बिल्कुल मैंडेटरी है आपके लिए करना। उसके बाद आपको करना है डबल डाउन। कहने का क्या मतलब है, जब आपने ये 3 साल के ऑफिशियल सैंपल पेपर जो मैंने कहे हैं और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के 3 साल के आपने कर लिए हो, तो जब अगर आप कहते हो मुझे बिल्कुल एक्सट्रीम प्रैक्टिस करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको 2016 उससे भी पहले के सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको करते जाने हैं। मतलब आपको लास्ट 5 years 7 years तक आप पिक कर लो तो बहुत शानदार हो जाएगा, और आपको ये चीज साफ साफ दिखेगी जो मैं कहना चाहता हूं कि क्वेश्चंस आपके रिपीटेशन में होते हैं। पर हां, मैं यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यार देखो, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपको ऑल द वे बैक टू 7 years या 8 years जाने की जरूरत नहीं है इसके अकॉर्डिंग, आपके जो ऑफिशियल लिंक है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, आपको अकाउंट्स में 2015 से पहले की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2014 से पैटर्न आपका चेंज, 2014 के बाद आपका पैटर्न चेंज हो गया था, 2014 में बिल्कुल आपका जो रूल आउट हो चुका है वो पैटर्न है, जो आपके क्वेश्चंस कभी नहीं आ सकते, या फिर आपका वो पूरा का पूरा जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो चेंज हो गई थी। मैथ्स की बात करें तो 2015 से मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है 2014 के कंपैरिजन में, बट स्टिल आप मैथ्स फिर भी कर सकते हो पुरानी। बट मेरे कहने का मुद्दा क्या है, अपने सब्जेक्ट को आप जानते हो, ऑब्वियसली मैं सारे सब्जेक्ट्स यहां कवर नहीं कर सकता, बट अपने सब्जेक्ट को जानते हुए आपको ये चीज आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लो कि भाई मेरे को कब तक के प्रीवियस ईयर करने चाहिए, कब से पैटर्न बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया था, जो ऑब्सोलीट हो चुका है मेरे लिए करना उन ईयर्स के पेपर्स को, तो उन ईयर्स को मत करना, बाकी जितना आप पीछे जा सको प्रीवियस ईयर पेपर्स में उतना बेटर, उतना आप सीबीएसई का माइंडसेट समझ पाओगे। और इस सब करते करते आपको टाइम भी नहीं मिलेगा यार, आप प्राइवेट पेपर्स की तरफ मुंह देख सको, क्योंकि ऑफिशियल सैंपल पेपर आपके पास इतने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके पास फॉरेन, ऑल इंडिया और दिल्ली, तीन पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चन पेपर्स के, तो वो 3 patterns करोगे जब आप हर साल के, तो आपके पास इनफ मटेरियल है प्रैक्टिस करने के लिए, और ऑफिशियल सीबीएसई का मटेरियल है जो आपका क्वेश्चन सेटर है, और आपको ये सब करते हुए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को एंड करते हुए मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारी एंट्रेंस आर्मी है, आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैं SRCC में मेरा इतने अच्छे बोर्ड गए थे, एडमिशन हो गया, बट स्टिल मैंने BCA की एंट्रेंस दी थी, क्योंकि बैकअप ऑप्शन होना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, और आप नहीं चाहते आप बोर्ड के बाद और रिजल्ट से पहले उन 2 से 3 महीने के गैप में बिल्कुल फ्री खाली बैठे रहो, तो अपने लिए बैकअप प्रिपेयर करके रखो। और कई सारे यार कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर है कुछ मायनों में, और अगर आप उनके एंट्रेंस क्लियर कर दो तो आपको बहुत अच्छी एक कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। तो आपको हमारी एंट्रेंस आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मिल जाएगा। इसमें मैं आपको आपके पहले तो बोर्ड्स का भी एक इंपॉर्टेंट मटेरियल सेंड करता रहूंगा, एंट्रेंस रिलेटेड आपको अपडेट्स सेंड करता रहूंगा, और हम एंट्रेंस एग्जाम के, जैसे कई लोगों को पता है, कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कोर्सेज आपको 40,000-50,000 में प्रोवाइड होते हैं वो कोर्सेज हम आपको 4,000-5,000 में प्रोवाइड करेंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज। तो आप एंट्रेंस आर्मी हमारी ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।